वेलकम दोस्तों, हमें फ्रेंड ने पूछा था गोदरेज का स्क्री डस्ट ये है और इसका इंडोर में थोड़ा टाइम चालू होकर के ब्लोअर फैन बंद हो जाता है और H6 एरियर शो करता है डिस्प्ले पे। अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, H6 एरियर शो कर रहा है, इंडोर चालू करके बंद हो जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, क्या हमें चेक करना चाहिए, कैसे अरेंज करेंगे, इसमें क्या खराब है, तो ये वीडियो में स्पेशल इसी के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत, फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। नॉर्मल अगर हमारा गोदरेज का स्पीड एसी है, हम नॉर्मल एसी की बात कर रहे हैं, इन्वर्टर में कुछ अलग डिफरेंस होता है, बट नॉर्मल जो हमारा गोदरेज का H6 आ रहा है, इसका H6 का जो स्टैंडर्ड गोदरेज कंपनी का एरियर कोड का जो नाम है इंडोर का ब्लोअर मोटर, इसका प्रॉब्लम होना, खराब होना। अब खराब क्या हो सकता रहेगा, इसमें खराब जो है आपका ब्लोअर मोटर में अगर नहीं चल रहा है किस तरह से एरियर शो करेगा, तो कई टाइप के फॉल्ट हो सकते रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारा फर्स्ट हो सकता रहेगा ब्लोअर मोटर जो है, मोटर खुद उसका खराब होना। अगर मोटर खराब है, इसे कंफर्म करने के लिए हमारा मोटर खराब है या फिर पीसीबी में प्रॉब्लम है। पीसीबी प्रॉब्लम रहेगा तभी H6 एरियर शो करेगा, मोटर खराब रहेगा तभी भी H6 एरियर शो करेगा। अगर इसमें मोटर में जो आपका फीडबैक वायर सेंसर का लगा हुआ है स्पीड का, ये भी खराब रहेगा तभी भी H6 एरियर शो करेगा। या फिर हमारा ब्लोअर मोटर जो है उसका स्पीड कम हो जा रहा है। स्पीड कम कैसे हो सकता रहेगा, स्पीड उसका ब्लोअर मोटर का बैरिंग जाम होना, या फिर ब्लोअर मोटर है बहुत ज्यादा गंदा होना, डस्टी होना। अगर ब्लोअर मोटर बहुत ज्यादा गंदा है, डस्टी है, उसके ऊपर लोड आएगा तो कंडीशन में क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड कम हो जाएगा तो थोड़ा टाइम चलने के बाद H6 का एरियर शो कर देगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा फीडबैक वायर लगा रहता है जो पीसीबी को कमांड करता है, सेंस करता है, बताता है हमारा मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसे चेक कर, इसे अगर आपका देखेंगे अगर गंदा बहुत ज्यादा है, इसे खोल करके सर्विस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका गंदा नहीं है, ब्लोअर सही है, फिर भी आपका एरियर शो कर रहा है, तब हमें चेक करना चाहिए मोटर का कैपेसिटर। अगर मोटर में कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर आपका वीक रहेगा, खराब रहेगा, तो कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा स्टार्ट लेकर के बंद हो जाएगा, लोड ज्यादा लेगा, जाम रहेगा, तभी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। ये चीजें हम वन बाई वन चेक करेंगे। अगर कैपेसिटर हमारा कैपेसिटर चेंज करके देखेंगे, अगर खराब है चेंज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, अगर कैपेसिटर भी सही है, अगर हमारे सिर्फ मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, मोटर का वायर जो है कनेक्शन से जो जैक रहता है पीसीबी को पावर ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद पीसीबी का कनेक्टर जो रहता है ये हमें निकालना चाहिए। निकाल करके मोटर का कनेक्टिविटी चेक करेंगे, कनेक्टिविटी शो कर रहा है या नहीं। सभी वायर पे जो भी हमारा कमर स्टार्ट स्पीड का रहता है, स्पीड का मोटर रहता है, तो चेक करेंगे सभी हमारा कनेक्टिविटी रेजिस्टेंस ऑन शो करना चाहिए। शो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये खराब है, मोटर हम चेंज करेंगे। अगर मोटर का वायरिंग वगैरह भी सही है, फिर भी हमारा जो है थोड़ा टाइम चल के बंद हो जाता है, इसका मतलब सही है, तो कंडीशन में पीसीबी चेक करना चाहिए, पीसीबी से वोल्टेज हमारा आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमारा डीसी पीसीबी रहेगा, डीसी मोटर रहेगा, तो उसमें हमारा 12 वोल्ट नियरबाई शो करेगा, या फिर मॉडल के ऊपर डिपेंड रहता है, वो इन्वर्टर में आएगा, उसके बारे में डिटेल्स में जाने। बट ये हमारा नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल अगर हमारा मोटर है, इसमें 220 वोल्टेज नियर बाई शो करेगा, पीसीबी से रिले से हमारा आउट होना चाहिए। अगर पीसीबी से हम चेक करेंगे, जो कनेक्शन जैक लगा रहता है वहां पर हम चेक करेंगे पावर आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पावर आउट हो रहा है, इसका मतलब मोटर का खराब है। अगर हमारा मोटर का जो है पीसीबी से जो कनेक्टर लगा हुआ, वहां से पावर आउट ही नहीं हो रहा है, या आउट होकर के थोड़ा टाइम में बंद हो जाता है, तो कंडीशन में इसका मतलब चेक करते हैं पीसीबी जो रहता है खुद का, उसके पीछे जो कई बार देखने को मिलते हैं कनेक्टर्स रहते हैं वो लूज हो जाते हैं, सोल्डिंग पीछे रहता है वो क्रेक वगैरह हो जाते हैं, छोड़ देता है, तो उसे हम सोल्डिंग करेंगे। अगर छोड़ दिया है, बारीक से चेक करेंगे, सोल्डिंग वगैरह छोड़ दिया, उसे सोल्डिंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पावर हमारा कैसे भी यहाँ से पीसीबी से आउट होना चाहिए। अगर कनेक्टर में पीसीबी पावर शो कर रहा है तो सही है, नहीं शो कर रहा है तो उसे पीसीबी रिपेयर कराएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिक चीज है, यही सब हमें चेक करना चाहिए। अगर H6 गोदरेज कंपनी का है, H6 एरियर शो कर रहा है, मोटर स्टार्ट होकर के बंद हो जा रहा है या स्टार्ट नहीं ले रहा है, तो
तो इस तरह से वन बाय वन हम चेक करेंगे। हम क्यों नहीं स्पेशली एक ही चीज बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटर खराब का है, जो हमारा कंपनी जो एरियर लिस्ट दिया है, कंपनी जो बता रही है, इसमें मोटर के रिलेटेड फॉल्ट है। तो मोटर के रिलेटेड फॉल्ट में समझा सकता रहेगा, मोटर नहीं चल रहा है, जाम हो सकता रहेगा, पीसीबी से ही पावर आउट नहीं हो रहा है, या फिर मोटर का वायर नहीं खराब हो सकता रहेगा, सब चीज ये वन बाय वन हो सकता रहेगा। ये जो भी हमने बताया मोटर के रिलेटेड ही फॉल्ट बताया, चेक करने के लिए बताया है। तो ऐसा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा इसी तरह से, और इन्वर्टर के बारे में, डिजिटल के बारे में, एडवांस के बारे में, एचवीएसी पैकेज एसी रूपटॉप मॉडल सभी बहुत सी स्पेशल वीडियो बना हुआ है, ये सब के बारे में और भी जानने के लिए सीखने के लिए हमसे जुड़े रहे हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन आप उसको ऑन जरूर करें। ये वीडियो आप नए टेक्निशियन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं ये फील्ड में आना चाहते हैं, नए टेक्निशियन नए, अगर आप यूनिवर्सल पीसीबी लेना चाहते हैं, कोई सा स्प्लिट एसी कुछ भी उसका पार्ट्स पर लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके बाय कर सकते रहेंगे। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ऑफर चल रहा है, इसका फायदा ले सकते रहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।